बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस बार सनी देओल पे आ गया है बहुत बड़ी आफत, जिस मुसीबत का उम्मीद भी कभी नहीं लगाया जा सकता था, वही मुसीबत वही आफत आज सनी देओल पर आ चुका है। सनी देओल गदर 2 मूवी नहीं बनाते तो उनके ऊपर ये आफत कभी नहीं आता। जिस आफत का इस समय सनी देओल मुकाबला कर रहे हैं, वैसी आफत शायद ही किसी सुपरस्टार पर आया होगा, क्योंकि किसी सुपरस्टार को इतना हिम्मत नहीं है कि वह पाकिस्तान पर फिल्म बना दे। लेकिन सनी देओल ने अपने मूवी गदर 2 में सीधा पाकिस्तानियों को ललकारते हुए नजर आए थे। शायद इसी वजह से पाकिस्तानी लोग सनी देओल को भूल नहीं पा रहा है और बार बार सनी देओल को धमकी दे रहा है कि अगर तू पाकिस्तान में आया तो तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जिसके वजह से इस बार सनी देओल का भाई बॉबी देओल पाकिस्तानियों पर आग बबूला होते हुए ऐसा चेतावनी दे दिए हैं कि इस बात को भी पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि यह बॉबी देओल के तरफ से कोई धमकी नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ी चेतावनी है, जिसको सुन बॉलीवुड से लेकर पूरा इंडस्ट्री घबरा गया है, क्योंकि सनी देओल का भाई बॉबी देओल पहली बार अपना मुंह खोले हैं। सारा कुछ बताऊंगा, उससे पहले इतना जान जाइए कि अब पाकिस्तानियों का कोई खैर नहीं है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते, अगर आप लोग भारत माता से प्यार करते हैं, सनी पाजी और बॉबी देओल के इस कदम के साथ हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर बॉबी देओल जल्द पाकिस्तान में जाकर और एक्शन ले, आप लोगों को अपनी आवाज बुलंद करते हुए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान अमर रहे का नारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। दोस्तों, यह एक कोई कमेंट नहीं है बल्कि हर एक भारतीय की आवाज है जो पाकिस्तानियों के कानों में सीधा गूंजेगी जब जब इस वीडियो को वो लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एक पाकिस्तानी लड़का है जो मेरे वीडियो में बार बार आकर कमेंट करते रहता है कि जिस दिन सनी पाजी पाकिस्तान में आ गए और एक पाकिस्तानी 100 भारतीय फौजी के बराबर है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सनी पाजी तुम लोगों का जो पिटाई किए हैं उसका दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आकर अनाप शनाप बोलते रहते हो। तो मैं सभी भारतीय से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग उस पाकिस्तानी लड़के को उसके ही शब्दों में कमेंट में जवाब दे दीजिए ताकि वो हमारे भारतीय आर्मी के बारे में कुछ ना बोले। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ भारत में भी देशभक्ति फिल्म का विरोध करने वाले लोग हैं और कुछ लोग कह रहे हैं गदर 2 जवान के सामने पूरी तरह से फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि गदर 2 कोई मूवी नहीं है बल्कि एक इतिहास है, क्योंकि यह मूवी पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि देश में देशभक्ति को उत्पन्न करने के लिए बनाई गई है। इसलिए आप जोश और जुनून के साथ मेरे साथ कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। धन्यवाद।